Bismillah Rahman Rahim. Second match of UCL Super 8. Now started the first ball. Straight drive back to the hands of the bowler. Roshan is the bowler and facing by second ball, that's a completely beat and slip from keeper's end. Usman Ghulam and Nasir Riaz around the crease. और सब देखना पड़ेगा अंपायर का इशारा. और वाइड के साथ है दो रन्स का और इजाफा. एक बार फिर उठाकर खेला, वहां पे फिल्डर मौजूद, कवर के एरिया में फिल्डर मौजूद, वहां पर फील्डिंग किया और एक रन का इजाफा. एडीसीएल ग्रीन्स बैटिंग करते हुए रोशन आए, अंपायर को क्रॉस किया, लेग साइड की तरफ बॉल थी लेकिन अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा. और कैच का चांस था यकीनन ये, और इस वक्त विकेट कीपर आहद. अगेन बॉल और रोशन की ये बॉल बीट. पहले ओवर के इख्तिताम पे 5 रन बगैर किसी विकेट के एडीसीएल ग्रीन्स बैटिंग करते हुए. उठाकर खेल लिया ऐसा का गेंद बाउंड लाइन और इस तरह एक कैच करने में कामयाब रहे. बाउंड्री पर मौजूद फील्डर ने शानदार कैच किया. एक बार फिर आया, अंपायर को क्रॉस किया, इस बार स्टेट पे खेला, वहां पर फील्डर मौजूद लेकिन गेंद बाउंड लाइन से खासी बार जाके लगी 6 रन के लिए. ओएस जफर इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं. एक बार फिर स्टेट पे खेला, बिल्कुल बॉलर और के हक अंपायर के सर के ऊपर से बॉल बाउंड लाइन से बाहर 4 रन के लिए 6 रन के लिए. उस्मान गनी के दो भरपूर शॉट्स. एक बार फिर इसको लेग साइड पे खेल दिया और यकीनन ये भी बाउंड लाइन से बाहर 6 रन के लिए.
बैक टू बैक एंड बैक टू बैक 3 sixes इस वक्त लगा चुके हैं उस्मान गनी। शानदार बैटिंग का मुजाहरा उस्मान गनी की जानिब से। वज जफर का ओवर खासा महंगा साबित हुआ होता हुआ सेल्स के लिए, और इस वक्त कवर के ऊपर से 6 runs के लिए शानदार छक्का। बिल्कुल खड़े होके कदमों का इस्तेमाल नहीं किया और बॉल को पास आने दिया और उसको अच्छे अंदाज में कवर के ऊपर से खेला। विकेट के चारों तरफ शॉटें खेल रहे हैं उस्मान गनी, और एक ओवर में 25 रन बना लिए। सरफराज खान आए हैं बॉलिंग के लिए। राइट आर्म फास्ट बॉलर सरफराज, फील्ड एडजस्ट करते हुए नासर रियाज सामना करेंगे स्टेट के खिलाफ। वहां पर फील्डर मौजूद और लेकिन इस बार कैच का चांस था जो कि फील्डर से थोड़ा सा दूर गिरा बॉल। एक बार फिर उस्मान गनी सामना करेंगे, खतरनाक बैट्समैन है उस्मान गनी। बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया पिछले ओवर में, देखते हैं इस ओवर में ये कितना स्कोर निकालते हैं। स्टेट ड्राइव गला, वहां पर बॉल हिट हुआ डाइवर्ट होके सिंगल के लिए। सरफराज खान आए बॉल की उठाकर खेल दिया, कट शॉट खेला, वहां पे फील्डर मौजूद नहीं है पॉइंट के एरिया में। भागकर 1 run के लिए भागे, 2 run के लिए भागे, रन आउट होने का चांस, लेकिन थ्रो जो है तो काफी कमजोर थ्रो थी। सेल्स के फील्डर्स को यकीनन तेज फील्डिंग करनी पड़ेगी, मौसम काफी शानदार और दिलकश क्रिकेट के लिए, खासा ठंडा हो चुका है मौसम। एक बार फिर खेला, खासी चेंज ऑफ पेस डिलीवरी थी, बॉल सेल्स के बॉलर ने अच्छा एक्सपीरियंस यूज कर रहे हैं। उस्मान गनी सामना करेंगे सरफराज खान का। एक बार फिर उस्मान ने कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद को बाउंड लाइन की तरफ, और इस तरह गेंद बाउंड लाइन से क्रॉस कर गई। अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा। दो रन जी बनाए हैं उस्मान ने। अंपायर क्रॉस किया, स्टेट ड्राइव खेला, वहां पर फील्डर मौजूद हैं और सेव किया उन्होंने बाउंड्री। शानदार फील्डिंग का मुजाहरा सेल्स की जानिब से। उससे पहले इमरान भाई ने अच्छा बाउंड्री सेव की, और उसके बाद अभी बाउंड लाइन पे जो सेकंड फील्डर मौजूद हैं उन्होंने भी अच्छी सेव किया बाउंड लाइन से।
स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन्स तीन ओवर के इख्तिताम पे। इमरान शेख उठाकर खेल दिया, वहां पे फील्डर मौजूद हैं, देखते हैं कि कैच होता है या नहीं। और इस तरह शानदार कैच, उस्मान गनी इस बार चूक गए और कैच थमा बैठे लॉन्ग ऑफ के फील्डर के हाथ में। एक बार फिर फील्डर को चेंज किया, फील्डिंग को कंप्लीट चेंज किया, थर्ड मैन से फील्डर को निकाल के अभी वो पॉइंट पोजीशन पे लेकर आए और इस तरह फील्ड चेंज करते हुए इमरान शेख। एक बार फिर उठा कर खेलना चाहते थे, मुकम्मल तौर पर बीट हुए, समझदारी से बॉलिंग कर रहे इमरान शेख भरपूर एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए। उस्मान गनी इस बार लेग साइड की जानिब खेलना चाहते थे लेकिन मुकम्मल तौर पर बॉल बीट हुए और ये वाइड, और ये लास्ट ओवर है और इस ओवर में वाइड कंसीडर एज वाइड होगा, बॉल को दोबारा करना पड़ेगा। एक बार फिर इशारा देखना पड़ेगा अंपायर का, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। इमरान शेख बॉल को बैट्समैन से खासा दूर गिरा रहे हैं ताकि वो मिस हिट हों और एक और विकेट का चांस मिले। बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा, बेहतरीन सोच इमरान शेख की। और भरपूर अंदाज से खेलना चाहते थे, शकायत मुकम्मल तौर पर बीट हुए, गेंद बाउंड लाइन की तरफ जाते हुए यकीनन फील्डर पहुंच जाएंगे। बॉल को फील्ड किया और दो रन बनाने का मौका मिला उस्मान गनी को। इमरान शेख आए, अंपायर को क्रॉस किया, फिर खेलना चाहते हैं, खासी बाहर बॉल, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। स्टॉप किया इस वक्त अंपायर ने। लास्ट ओवर में वाइड बॉल कंसीडर हो गई। और इस जगह तेज बॉल किया इमरान शेख ने, उस्मान गनी बॉल को पिक नहीं कर सके और गैप में खेलकर एक रन से मुकम्मल किया उस्मान गनी ने। सामना करेंगे नासिर रियाज। दो बॉलें बाकी हैं, देखते हैं कि नासिर क्या करते हैं। बॉल आई उधर लेग साइड पे खेल दिया, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं, गेंद बॉल लाइन से बाहर, चार रन के लिए शानदार चौका नासिर रियाज की जानिब से। एक बार फिर फील्ड सेट करते हुए इमरान शेख लेग साइड की जानिब खेला, वहां पर फिर लेग साइड पर बॉल और एक और शानदार चौका, और इस तरह पहले पेयर का स्कोर मुकम्मल।
खूबसूरत चौका इस वक्त इम्तियाज आफरीदी की जानिब से। पहली बॉल ने कराई इस वक्त और पहली बॉल पे ही फियाज अहमद की पहली बॉल को बाउंड लाइन से बाहर भेजा इम्तियाज ने। खासे खतरनाक अंदाज में मूड में नजर आ रहे हैं। यकीनन इम्तियाज इस वक्त एक जहराना अंदाज अपनाएंगे क्योंकि फील्ड को सेट करते हुए इमरान शेख फियाज की अगली बॉल के लिए पूरी फील्ड सेटअप दिया इस वक्त। इम्तियाज शेख सामना करेंगे स्ट्रेट ड्राइव के अलावा, वहां पे बहुत ही प्यारे अंदाज में बॉल को ऑफ साइड पे खेला, पंच किया और एक सिंगल निकाला। अबू बकर सामना करेंगे फियाज अहमद का। ऑफ साइड पे खेला, वहां पे फिल्टर मौजूद और इस तरह एक शानदार कैच लिया। उमर का एक शानदार कैच इस वक्त विकेट लेने में कामयाब रहे फयाज। एक बार फिर शॉट के लिए इस वक्त कामयाब रहे अबू बकर। बाकर एक रन मुकम्मल किया। बेहतरीन बॉलिंग फियाज की जानिब से। पहली बॉल पे जरूर इम्तियाज शेख ने एक जाराना शॉट खेला था लेकिन उसके बाद कमबैक किया मोहम्मद फियाज ने और इस वक्त शॉट खेलना चाहते हैं। लेग साइड पे बॉल गई थर्ड मैन की जानिब, वहां पे कीपर बॉल के पीछे। बाकर एक रन दो रन मुकम्मल किए। ऑफ साइड पे खेला, वहां पे कोई फील्डर मौजूद नहीं है। गैप में शॉट खेला, मिस फील्ड हुई और लेकिन इसका कोई फायदा नहीं उठाया इम्तियाज और अबू बकर ने। एक रन पर इत्तफाक किया और इस तरह पहला ओवर सेकंड पेयर का पहला ओवर मुकम्मल। बेहतरीन बॉलिंग की फियाज ने इस ओवर में। नए बॉलर आए हैं जमशेद अली। इम्तियाज आफरीदी सामना करेंगे जमशेद अली का। और मुकम्मल तौर पर लेफ्ट किया, इंतहाई शानदार बॉलिंग जमशेद अली की जानिब से। एक बार फिर देखना पड़ेगा लेकिन इस बार अंपायर ने दोनों बाजू को खोल के वाइड बॉल दिया। जमशेद अली
नपीतुली बॉलिंग कर रहे हैं। और इस वक्त इम्तियाज खासा इंतजार करने के बाद आखिरकार बॉल को जाले के ऊपर फेंक दिया, स्टेट पे छिक, खूबसूरत छक्का लगाया। इम्तियाज अली इस वक्त, इम्तियाज आफरीदी सामना करेंगे जमशेद अली का। वेट के इंतजार किया और एक कट शॉट खेला, गैप में खेला फील्डर बॉल के पीछे और दूसरे रन के लिए भी भागे, रन आउट होने का चांस था लेकिन इंतहाई कमजोर थ्रो। जमशेद अली बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे इम्तियाज अली को, इम्तियाज आफरीदी को खुल के शॉट खेलने का, लेकिन एक बॉल पे उन्होंने छक्का लगाया। देखते हैं इस बॉल पे इम्तियाज आफरीदी कदमों का इस्तेमाल किया और एक बार फिर बॉल को कमेंटेटर बॉक्स, डायरेक्ट छक्का, खूबसूरत अंदाज में बैटिंग करते हुए इम्तियाज आफरीदी आड़े हाथों लिया इस वक्त जमशेद अली को। बेहतरीन कदमों का इस्तेमाल करते हुए इम्तियाज आफरीदी बेहतरीन बॉलिंग का कम बैक किया इस वक्त जमशेद अली ने और ओवर मुकम्मल हुआ जमशेद अली का। विकेट लेने में भी कामयाब रहे थे जमशेद अली लेकिन इम्तियाज आफरीदी ने उनके सारे ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया, बेहतरीन शॉट्स लगाई और अच्छा कमबैक किया इस वक्त इम्तियाज आफरीदी ने। 9 बॉलों का सामना किया, 22 स्कोर किए हैं, 2 छक्के और 1 चौका लगाया। Who is the ball? ऑब्जर्व शॉट अबू बकर का ऑफ साइड पे, वहां पे फिल्डर मौजूद, बाकर एक रन मुकम्मल किया। इम्तियाज ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं, अच्छे फॉर्म में इन फॉर्म बैट्समैन है, हिटिंग कर रहे हैं, छक्के लगा रहे हैं, देखते हैं इस बॉल पे क्या करते हैं। स्ट्रेट ड्राइव खेला बैक टू बॉलर बट कैन नॉट फील द बॉल, गुड बॉलिंग बाय उमर। अबूबकर डिसाइडेड टू टेक अ मेक अ सिक्स बट कंप्लीटली मिस दिस बॉल। अगेन एक्सीलेंट बॉलिंग बाय बिग स्विंग फ्रॉम उमर, लेफ्ट हैंड बॉल से बॉल करते हैं और बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं उमर, मुकम्मल तौर पर बीट हुए। अगर ये बॉल भी बीट करते हैं तो यकीनन उमर को विकेट मिलने के 100% चांस हैं। वो उठाकर खेल दिया, यहाँ पर फील्डर मौजूद हैं रोशन और शानदार फील्डिंग का मुजाहरा, शानदार फील्डिंग अपनी टीम के लिए, इस वक्त 4 रन सेव किए। सरफराज और रोशन की कंबाइंड फील्डिंग एफर्ट और सेव 4 रन्स। उमर की नपीदोली बॉलिंग, बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा। आई थिंक यू कैन कैच इट बट ड्यू टू दैट फील्डर यू कैन नॉट कैच। या
उमर खताब का ओवर मुकम्मल। बेहतरीन बॉलिंग की उमर खताब ने, सिर्फ 4 रन दिए अपने ओवर में। शानदार बॉलिंग का मुजाहरा उमर खताब की जानिब से। मुफज्जल इस वक्त बॉलिंग के लिए आए हैं। और उनका सामना करेंगे इस वक्त बेहतरीन इनफॉर्म बैट्समैन इम्तियाज अफरीदी। ऑफ साइड पे शॉट खेला लेकिन इस वक्त एक रन बनाया। हालांकि हमें उम्मीद थी कि यकीनन ये शायद अफरीदी की तरह बल्ला घुमाएंगे, लेकिन इस वक्त बड़े धीमे अंदाज में खेले। अबू बकर ने निकल के शॉट खेला, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं है। खूबसूरत दिलकश शानदार शॉट। जबरदस्त अंदाज में खेले इस वक्त अबू बकर। मुसफल की इस बॉल पे 4 रन आए। पेयर की आखिरी चाल बॉलें रहती हैं, देखते हैं कि ये कितना स्कोर में इजाफा करते हैं। फसल दोबारा बॉलिंग मार्क लगाते हुए। और एक कट शॉट खेलना चाहते हैं, मुकम्मल तौर पर बीट हुए बाकर। अफरीदी को एक रन लेना चाहिए था लेकिन अफरीदी ने इस वक्त रन के लिए नहीं गए और मुकम्मल तौर पर मिस हो गए इस वक्त अबू बकर। निकल कर शॉट खेला, कदमों का इस्तेमाल किया लेकिन बाकर सिर्फ एक रन बनाने का मौका था, एक रन मुकम्मल किया। अभी देखते हैं इस वक्त अपने नाम की तरह इम्तियाज अफरीदी आखिरी दो बॉल्स पे क्या करते हैं। यकीनन इनफॉर्म बैट्समैन ने 3 छक्के लगा चुके हैं। एक अच्छी बॉल इस वक्त मुफसल की, मुकम्मल तौर पर समझ ना सके इस बॉल को और बाकर एक रन बनाया इम्तियाज अफरीदी ने। आखिरी बॉल को निकल कर शॉट खेला और इस वक्त कैच के लिए सरफराज ने कैच करने का ट्राई किया लेकिन गेंद बाउंड लाइन से बाहर। 4 रन के लिए गेंद बाउंड लाइन से बाहर और इस तरह दूसरे पेयर के इख्तिताम और 75 टोटल। तुझे कोच देनी है तू।
मोहम्मद फयाज, अमीर हमजा सामना करेंगे मोहम्मद फयाज का। लॉन्ग ऑन की जान के अलावा वहां पर फील्डर मौजूद रोशन, बाकर एक रन मुकम्मल किया और इस तरह तीसरे पेयर का आगाज। मोहम्मद शहराज ने लेग साइड की जानिब खेला, वहां पर फील्डर मौजूद, बाकर एक रन मुकम्मल किया बेहतरीन ओवर कराते हुए इस वक्त मोहम्मद फयाज। सामना करेंगे अमीर हमजा। और एक बार फिर शॉट को छक्के की जानिब खेलना चाह रहे थे लेकिन नहीं जा सका थे और बाकर एक रन मुकम्मल किया। अमीर हमजा ऑफ साइड पे खेला, वहां पर फील्डर मौजूद, इमरान शेख वहां पर मौजूद है और शानदार फील्डिंग का मुजाहरा। ओ अच्छा, बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा। बॉल पड़ने के बाद नीचे रही, खासी नीचे रही, बैट्समैन बिल्कुल समझ ना सके और बॉल को डेड स्टॉप किया और इस वक्त चांस है विकेट लेने का मोहम्मद फयाज के पास। और इस तरह बीट किया और इस तरह विकेट मिली है मोहम्मद फयाज को। बैक टू बैक तीन बालें उन्होंने डॉट करवाई और डॉट करवाने के नतीजे में उनको विकेट मिली है। फयाज का बेहतरीन ओवर, मोहम्मद फयाज ने अपना स्पेल कंप्लीट किया, दो ओवर में 12 रन्स, बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा मोहम्मद फयाज की जानिब से। सेल्स ने सकते फील्डिंग फील्डिंग में तब्दीली की और एक अच्छे खासे सेहतमंद फील्डर को ले आए। ये देखना पड़ेगा इनके फील्डर मोहम्मद
शेराज ऐसा कद खेल रहा है बिल्कुल मिड विकेट के ऊपर से गेंद बॉल लाइन से बाहर चार रन के लिए। इस प्लेयर की जानिब से पहले बार उनको हाथ खोलने का मौका मिला। शेरोज एक बार फिर उठाकर खेलना चाहते थे, मुकम्मल तौर पर बीट हुए और बाकर एक रन मुकम्मल किया। फसल वहां पर मौजूद बॉन्ड लाइन पे बाकर फील्डिंग की शानदार फील्डिंग का मुजाहरा फील्डर की जानिब से। और इस जगह स्टेट पे खेला चार रन के लिए गेंद बॉन्ड लाइन से बाहर मोहम्मद शेरोज। पैर को क्रॉस किया, उठाकर खेल दिया शकर कवर के ऊपर से छह रन के लिए खूबसूरत छक्का शेरोज का। खतरनाक अंदाज में दिखाई दे रहे हैं, लास्ट ओवर जो गुजरा उसका भी स्कोर बराबर कर रहे हैं। आड़े हाथों लिया ऐसा तो उन्होंने मोहम्मद मुफस्सल मोहम्मद को। एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल किया और इस अगत सीधा बॉलर के सर के ऊपर से छह रन के लिए गेंद बॉल लाइन से बाहर। बहुत बेहतरीन अंदाज में बैटिंग की इस ओवर में। एक बार फिर फील्डिंग में तब्दीली की गई है। इमरान शेख बार बार फील्डर चेंज कर रहे हैं, यकीनन ये उनकी प्लानिंग में शामिल होगा और यकीनन बॉलर के लिए आए हैं बासित फैजी आए हैं इस वक्त बॉलिंग के लिए। और इस जगह चांस और कैच मुकम्मल कर दिया रोशन ने, शानदार फील्डिंग रोशन की जानिब से। व्हाट अ एक्सीलेंट ओएस, सॉरी द ग्रेट कैच बाय ओएस। अगेन देयर्स अनदर शॉट, ओएस इज No, it's a little far from his approach to catch, but he's did a good job. Imran Sheikh is changing the fielding and changing the bowler good way. There's a step out this time by Mohammad Shahroz, but cannot get a required result, but it's a single run only. Basit over is going very well this time. Oh, again it's entirely fully beat this ball. बहुत ही energetic bowler मालूम होते हैं, ball beat करने के साथ भी जो है तो उसको excitement में ले रहे हैं। एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल किया मोहम्मद शेरोज ने, लेकिन उसका बाकर एक रन ही बना सके। और ये चांस था शकर देखना पड़ेगा, लेकिन मुकम्मल तौर पर बीट हुए बासित। शानदार बॉलिंग का मुजाहरा बासित की जानिब से, मुकम्मल तौर पे इस वक्त बैट्समैनों को परेशान करके रखा है बासित ने। गुड बॉलिंग बाय बासित।
इमरान शेख इस वक्त टिप्स देते हुए इस प्लेयर का आखिरी ओवर। मीडियम पेस बॉलर हैं चौधरी फर्रुख, सामना करेंगे शिरोज। उठाकर खेला इस वक्त चौधरी फर्रुख, रन आउट का चांस था और इसे मुकम्मल तौर पर बीट हुए। फील्ड बैट्समैन काफी बाहर आ चुके थे अपनी क्रीज से, लेकिन वो रन आउट करने में नाकाम रहे। चौधरी फर्रुख शानदार बॉलिंग का मुजाहरा। लेग साइड पे खेला, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं है और इस बॉल लाइन से बाहर चार रन के लिए। बासित अली बॉल के पीछे जरूर थे, लेकिन बॉल उनसे काफी तेज बॉल लाइन क्रॉस कर गई। स्टेट पे निकल के उठाकर शॉट खेला, वहां पर ओवैस मौजूद हैं और इस तरह ओल्ड माय गॉड, वी नीड टू सी बॉल लग गई है मेरे ख्याल में फील्डर को। कैच ड्रॉप पी सका शरोज का, एक बार फिर उठाकर खेलना चाहते थे, मुकम्मल तौर पर बीट हुए, रन आउट होने का चांस है। फर्रुख आए अंपायर को क्रॉस किया और इस तरह बोल्ड कर दिया, क्या शानदार बॉलिंग फर्रुख। चौधरी फर्रुख की जानिब से क्या शानदार बॉलिंग, एक कैच ड्रॉप हुआ फिर भी जान बेहतरीन बॉलिंग की और इस तरह अभी विकेट ले ली इस बॉल पे। चौधरी फर्रुख लेग साइड पे खेले, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं है। गेंद बॉल लाइन की तरफ बासे थे, फुल स्पीड में भी भागे लेकिन बॉल को पकड़ने में नाकाम रहे। बारह ओवर के इख्तिताम पे 98 रन्स एडीसीएल ग्रीन्स। वन टू गो। इमरान शेख एक बार फिर फील्ड सेट करते हुए,
सरफराज खान की बॉल पे स्ट्रेट राइज गला, वहां पे फिल्टर मौजूद और इस वक्त बॉल को रोक ना सके और पहली बॉल चार रन के लिए गेंद बाउंड लाइन के बाहर। बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा वली सामना कर रहे हैं इस वक्त और पहली बॉल पे चौका दे मारा। लगता है कि अच्छे खासे वली सरफराज की दूसरी बॉल को खेलना चाहते हैं, मुकम्मल तौर पर बीट हुए इस वक्त स्लो पेस बॉल की। चौथे पैर का खेल जारी है इस वक्त वली और उनके साथ में मोहम्मद फरहान एडीसीएल ग्रीन्स की जानिब से खेल रहे हैं। एक बार फिर शॉट खेलना चाहते हैं ऑफ साइड पे, बाहर रन आउट का चांस है कीपर के पास, लेकिन इस वक्त सरफराज पहली बॉल पे जरूर चौका खाया लेकिन अगली दो बॉलें बीट कर चुके हैं। अगर ये बॉल बीट करते हैं तो यकीनन ये इनको भी विकेट मिल सकती है। इस वक्त पूरी कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि ये बॉल बीट हो जाए ताकि एक और विकेट उनके खाते में लिखी जाए। अंपायर को क्रॉस किया और इस वक्त उसको आराम से इस वक्त लेग साइड पे खेला और बॉल मिस ना हो उसका चांस ना दिया और एक रन बाकर मुकम्मल किया। वली की अच्छी सोच, फरहान सामना करेंगे सरफराज का। लेग साइड पे खेला, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं है और मुफस्सु वहां पे भाग कर गए और इस तरह शानदार फील्डिंग का मुजाहरा। मुफस्सल की जानिब से शानदार फील्डिंग का मुजाहरा। लेग साइड की जानिब खेले, वहां पे मुफस्सल मौजूद है और शानदार फील्डिंग का मुजाहरा। एक बार फिर बेहतरीन फील्डिंग कर रहे हैं चारों तरफ ग्राउंड में भागते हुए यंग एनर्जेटिक लड़के। फील्डिंग को एडजस्ट करते हुए एक बार फिर मुफस्सल को बुलाया गया है बॉलिंग के लिए। बेहतरीन बॉलिंग किया सरफराज ने, पहली बॉल पे जरूर चौका खाया था लेकिन अच्छा कमबैक किया। दो ओवर में 15 रन दिए हैं सरफराज खान ने, गुड स्पेल सरफराज। ओवर नंबर 13 कंप्लीटेड। इमरान शेख एक बार फिर फील्डिंग चेंज करते हुए, फसल लेग साइड की जानिब शॉट खेला और एक रन से मुकम्मल किया। ऐसा कहते हैं मोहम्मद फरहान ने, अभी सामना करें वली ने, अभी सामना करेंगे वली।
खेलना चाहते हैं शकत वली, इसको घुमा कर मारना चाहते हैं, एक बड़ा छक्का लगाने के लिए गए थे, लेकिन मुकम्मल तौर पर इस बॉल को समझ ना सके और मुफस्सल शानदार बॉलिंग कर रहे हैं। और इस आकात उठाकर खेल दिया, हाथों को खोला, वहां पर फील्डर मौजूद और इस तरह कैच ड्रॉप कर दिया और गेंद बाउंड लाइन से बाहर, 6 रन, 4 रन के लिए, 4 रन कीपर, फील्डर 4 रन का इशारा दे रहे हैं। बेहतरीन बॉलिंग मुफस्सल की जानिब से, सामना कर रहे हैं वली, कदमों का इस्तेमाल किया वली ने और अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा। नो वी डोंट हैव द फैसिलिटी, यस यस दिस इज ऑन यूट्यूब, या नो नो नो, वली दिस टाइम हैव अ चांस टू कैच हिम, फसल इज अंडर द बॉल और ड्रॉप द कैच, 3 चांसेस अकाद वली को मिल चुके हैं, बैक टू बैक 3 चांसेस। फसल की शानदार बॉलिंग जारी है, अभी फसल की बेहतरीन बॉलिंग जारी है, अपने लास्ट बॉल करवाएंगे इस ओवर का और इस वक्त फील्डर वहां पर मौजूद था रोशन, लेकिन कैच के लिए ट्राई नहीं किया। बेहतरीन ओवर का इख्तिताम फसल की तरफ से, 3 चांसेस उन्होंने जनरेट किए, लेकिन खातर खा कामयाबी ना हासिल कर सके। और इस अगर लकी चांस मिला 6 रन के लिए और इस तरह शानदार कैच, बेहतरीन कैच सरफराज का, सरफराज खान कहीं भी हूं गेम में मौजूद रहते हैं, बॉलिंग में देखिए, फील्डिंग में देखिए, सरफराज खान एवरीवेयर। एक बार फिर लेग साइड पे खेला, लेकिन इस वक्त मोहतात अंदाज में खेला मोहम्मद फरहान ने, क्योंकि उनकी पहली बॉल पे कैच हो चुका था, इसलिए स्ट्राइक रोटेट किया। अभी सामना करेंगे वली, फारूक, और इस वक्त वली ने ऑफ साइड पे खेला गेंद बॉल लाइन से बाहर, 4 रन के लिए गए, खूबसूरत शॉट वली की जानिब से। चौधरी फरुख, अंपायर को क्रॉस किया और इस वक्त उठाकर खेल दिया गेंद बाउंड लाइन से खासी दूर बाहर, 6 रन के लिए, खूबसूरत छक्का वली ने, इस वक्त फरुख खान को आड़े हाथों लिया है और खूबसूरत छक्के लगा रहे हैं। और इस तरह बोल्ड कर दिया,
चौधरी फरूख की बेहतरीन बॉलिंग, मुकम्मल तजर्बा इस्तेमाल करते हुए एक्सपीरियंस को आपने इस्तेमाल किया और एक स्लो बॉल की जिसको मुकम्मल तौर पर बीट हुए बैट्समैन और गेंद जाके विकेट पर लगी और विकेट हासिल की शकत फरूख ने। अंपायर को क्रॉस किया, उठाकर खेल लिया इस बार फिर लेग साइड की जानी, वहां पर रोशन मौजूद, फील्डिंग की शानदार फील्डिंग का मुजाहरा रोशन की थी और एक बेहतरीन ओवर का इख्तिताम फरूख की जानिब से। उमर आए हैं बॉलिंग के लिए, उमर पहले भी अपना एक बेहतरीन ओवर करवा चुके हैं, देखते हैं इस ओवर में कितनी कामयाबी हासिल करते हैं अपनी टीम सेल्स के लिए। ऑफ साइड वगैरह वहां पे फील्डर मौजूद हैं और बाकर एक रन मुकम्मल किया। लेफ्ट हैंड के अच्छे मीडियम पेसर बॉलर हैं, एक बार फिर दोनों बैट्समैन के पास बाकर एक रन बनाने का मौका था, मुकम्मल किया एक रन के साथ, स्कोर बढ़ता हुआ 113 रन। पंद्रहवें ओवर का खेल जारी है और इस बार बॉल को कट किया, इन स्विंगर किया, बॉल मुकम्मल तौर पर समझ ना सके वली और बाल इस वक्त सरफराज के और इस वक्त चांस था, लेग साइड पे एक शानदार छक्का लगाया वली की जानिब से, एक खूबसूरत छक्का, अच्छा रिस्ट वर्क किया। कट शॉट के अलावा वहां पर फील्डर इमरान शेख मौजूद हैं, बॉल की बाउंड्री लाइन की तरफ जाते हुए बॉल के पीछे और इस तरह बॉल इमरान शेख की एक थ्रो किया, रन आउट होने का चांस है इस वक्त, लेकिन फरहान ने वली को वापस भेजा। ओवर की आखिरी बॉल कराने के लिए आए क्रॉस के अंपायर को, शॉट खेलना चाहते इस वक्त मुकम्मल तौर पर, इस वक्त शॉट तो खेला लेकिन बीट हुए और बगैर कोई रन बनाए इख्तिताम पजीर हुआ ये चौथे पेयर का भी, 126 रन बना पाए। लास्ट पेयर उसामा एंड फारान, उसामा भट्ट, मोहम्मद फारान क्रीज पर मौजूद, रोशन
रोशन का सामना करेंगे उसामा भट्ट। रन आउट होने का चांस मिस किया इस वक्त। अच्छी थ्रो की इस वक्त लेकिन फील्डर ने, लेकिन बॉल विकेट्स को ना लगी और इस तरह भागकर एक रन मुकम्मल किया। आखिरी पेयर का बैटिंग का आगाज। लेफ्ट हैंड बैट्समैन मोहम्मद फरहान। अच्छा डिफेंस किया शकत मोहम्मद फरहान ने। ओ मुकम्मल तौर पर बीट हुए शकत, लेकिन बैंड बाउंड्री लाइन की तरफ आ रही है। यकीनन फील्डर शकत बॉल के पीछे। जमशेद ने फील्डिंग किया, शानदार फील्डिंग का मुजाहरा जमशेद की जान से। और एक बार फिर बीट हुए, मुकम्मल तौर पर बीट हुए। जमशेद ने एक बार फिर भागकर फील्डिंग की। बाकर एक रन मुकम्मल किया। उसामा भट्ट सामना करेंगे। उसने अंपायर को क्रॉस किया, उसामा भट्ट ने उठाकर खेली, वहां पर फील्डर मौजूद, लेकिन खासे दूर थे। बेहतरीन बॉलिंग रोशन की जानिब से। अगर मिस हिट हुए मुकम्मल तौर पे, बाक सिंगल भी नहीं बना सके। इस तरह ओवर मुकम्मल किया रोशन ने, शानदार बॉलिंग का मुजाहरा रोशन की जानिब से। एक्सलेंट बॉलिंग बाय रोशन। रोशन हैज अ वेरी गुड स्पेल ऑफ दिस टाइम, ओनली गिवन 12 रन्स, 11 रन्स इन हिज टू ओवर। गुड बॉलिंग बाय रोशन। जमशेद स्ट्रेट ड्राइव, देयर इज अ चांस ऑफ अ कैच, बट इट्स गो स्ट्रेट डायरेक्टली लाइक अ रॉकेट। जमशेद अली दूसरी बॉल वाइड, पहली बॉल पे छक्का लगाया उसामा भट्ट ने और दूसरी बॉल वाइड कराई है। सका रिवर्स शॉट खेलना चाह रहे थे, उसामा भट्ट कामयाब हुए उसमें और इसके बॉल दूसरे रन के लिए भी उसामा भट्ट भागे वापस हुए और भागकर दो रन मुकम्मल किए।
जमशेद अली आए अंपायर को क्रॉस किया, उसामा ने उसको लेग साइड की जानिब खेला, 6 रन के लिए गेंद बाउंड लाइन से बाहर। शानदार बैटिंग का मुजाहरा जमशेद उसामा भट्ट की जानिब से, शानदार बैटिंग का मुजाहरा जमशेद अली का। ये ओवर खासा महंगा साबित हो रहा है एडीसीएल सील्स। मोहतात अंदाज में खेले बाकर, 1 रन मुकम्मल किया उसामा भट्ट ने। फारहान सामना करेंगे इस वक्त जमशेद अली का, देखते हैं कि ये जमशेद अली को आड़े हाथों लेते हैं या नहीं। शानदार फील्डिंग का मुजाहरा बासित की जानिब से, अच्छे खासे तेज फील्डर है इस वक्त बासित अली। दो मुकम्मल किया ओवर इस वक्त जमशेद अली का, ओवर मुकम्मल हुआ। इमरान शेख खुद आए हैं बॉलिंग के लिए। उसामा भट्ट सामना करेंगे, उसामा भट्ट सामना करेंगे शकर जम इमरान शेख का, और मुकम्मल तौर पर बीट हुए बाल, बाल ले सकत रिवर्स शॉट खेलने गए थे उसामा जो कि बीट हुए। हाफ साइड पे खेला, वहां पर फील्डर मौजूद। इमरान शेख नफी तुली बॉलिंग करते हुए, कोई चांस नहीं दे रहे इस वक्त बैट्समैनों के खुल को शॉट खेलने का। हालांकि ये सेकंड लास्ट ओवर चल रहा है इनिंग्स का, यकीनन बैट्समैन इसको खुल के हिट खेलने के लिए बेताब है, लेकिन बेहतरीन बॉलिंग। इमरान शेख आए अंपायर को क्रॉस किया, एक बार फिर रिवर्स शॉट खेलने के लिए गए थे उसामा भट्ट, और इस टाइम पे बोल्ड कर दिया इमरान शेख ने। शानदार बॉलिंग का मुजाहरा इमरान शेख की जानिब से। दो बार वो रिवर्स शॉट खेलने गए, कामयाब ना हो सके थे। एक बार फिर उन्होंने ट्राई की रिवर्स शॉट खेलने के, और इस बार इमरान शेख समझ चुके थे, और एक तेज बॉल डाला जो कि सीधा जाके विकेट पे लगा, और इस तरह विकेट लेने में कामयाब रहे इमरान शेख। स्टेट पे खेला, वहां पर फील्डर मौजूद हैं सरफराज और रोशन के दरमियान जाके बॉल गिरा, दोनों फील्डर्स के पास कैच पकड़ने का कोई चांस नहीं था। मुकम्मल तौर पर बीट हुए ये बॉल भी, अच्छी बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा इमरान शेख की जानिब से।
145 145 लास्ट ओवर ऑफ साइड पे शॉट गली, वहां पर फील्डर मौजूद है रोशन, बाकर फील्ड किया, वहां पे रन आउट का चांस है लेकिन बासित ने अच्छी फील्डिंग अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा बासित की जान से आज बेहतरीन फील्डिंग भी की और बॉलिंग भी कर रहे हैं। फरहान के पास चांस है, उठाकर स्टेट पे खेल दिया, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं है, गेंद बॉल लाइन की तरफ जा रही है लेकिन रोशन ने शानदार फील्डिंग का मुजाहरा एक बार फिर और बाकर एक रन मुकम्मल किया। उसामा भट, उसामा भट के पास इसकत आखिरी चार बॉलें इनिंग्स की, देखते हैं बासित अली इस बार उसामा भट को कैसे खेलते हैं। लेग साइड पे खेला, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं है, गेंद बॉल लाइन से बाहर, चार रन के लिए शानदार बैटिंग का मुजाहरा उसामा की जानिब से। और स्टेट पे शॉट खेला, वहां पर फील्डर मौजूद रोशन, बाकर एक रन मुकम्मल किया, चांस है रन आउट का और इस तरह एक बार फिर बासित अली ने छोड़ दिया रन आउट। कदमों का इस्तेमाल किया, वहां पर रोशन मौजूद और इस तरह गेंद बॉल लाइन से बाहर, अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा, गेंद बॉल लाइन से बाहर चार रन के लिए। आखिरी बॉल और फरहान इसकत उठाकर खेला लेग साइड पे, वहां पे फील्डर मौजूद और इस तरह शानदार फील्डिंग का मुजाहरा फील्डर की जानिब से और बाकर एक रन मुकम्मल किया, दूसरे रन के लिए कोई मौका नहीं है और एक रन के इख्तिताम पे एक 157 रन बनाए हैं 20 ओवर के इख्तिताम पर।